एक खबर यहाँ पर हम अपने नाजरीन से शेयर करें। लाहौर में चौंक के इलाके में रिमोट कंट्रोल तैयारा एक जो है वो ड्रोन गिर के तबाह हुआ है और ये अली टाउन टर्मिनल ऑरेंज लाइन के करीब गिरा है। बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। अच्छा, ये छोटा सा एक इस तरीके से तैयारा है, बताते हैं कि इसमें छोटा सा कैमरा भी लगा हुआ है, कोई बारूदी मवाद इसमें नहीं मिला, लेकिन इस हवाले से तहकीक जारी है। बिल्कुल जी, जासूसी कैमरा तो मौजूद है यहाँ पर और ये चौहंग के इलाके में रिमोट कंट्रोल तैयारा गिर के तबाह गिरा है। ये अब ये देखने के एग्जैक्ट यहाँ पर आए, क्योंकि देखें ना लाहौर ऐसा शहर है जिससे हम बॉर्डर शेयर करें इंडिया से, तो ये भी जरूर देखना है कि एग्जैक्टली आया कहां से। तो अहमर खोकर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अहमर, ये जो एक छोटा सा जासूसी तैयारा ड्रोन तैयारा आके यहाँ पर गिरा है, क्या उसके हवाले से अभी तक तफसीलात आ रही है, ये कहाँ से आया है? देखिए, ये चोंग का इलाका है जहाँ पर पुरस्कार रिमोट कंट्रोल तैयारा जो है वो किया और ये अली टाउन ठोकर नियाज बे के करीब एक टर्मिनल है ऑरेंज लाइन ट्रेन का, जिसके करीब ये गिरा हुआ मिला है। और जब ये गिरा है तो फिर इलाका भी वहां पर उसको देख के उन्होंने मशकूक जाना, तो बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचा और जो मुतलका पुलिस थी वो भी मौके पर पहुंची, लेकिन उनके मुताबिक तैयारे में से किसी भी किस्म का जो बारूदी मवाद है वो नहीं मिला, जबकि तैयारे में छोटा सा एक जासूसी कैमरा भी जो है वो नस्ब है, वो ऑपरेशनल है कि नहीं इसके हवाले से अभी तक कोई चीज नहीं बताई गई, लेकिन उसकी जो नीचे की साइड है तैयारे की, जो एक दूसरा तैयारा उसके अंदर उन्होंने देखा कि कैमरा जो है वो लगा हुआ है। अच्छा, ये अली टाउन टर्मिनल जो है ये बिल्कुल उसके करीब ही ये तैयारा जो है ये उनको घिरा हुआ मिला है और इसके ऊपर मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात जो है उसका भी अमल इस वक्त जारी है। इस वक्त जो तहकीकाती टीमें हैं वो तैयारे को अपने हमराह ले गई हैं। अच्छा, और इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। कोई फ्लाइंग क्लब्स वगैरह भी यहाँ पर होते हैं? बहरहाल बहुत शुक्रिया अहमद खोकर, आपने हमें तफसीलात दी। वरना नॉर्मली हम देखते हैं कि आजकल तरह तरह की चीजें, क्वाडकॉप्टर्स, वो भारत तो आपको पता है ना कि वो क्या करता था, क्वाडकॉप्टर्स भेज देता था जिसको हम मार गिराते थे, और फिर ये है कि फ्लाइंग क्लब्स भी हैं, बच्चे भी काफी, हाँ आई नो ना, वहाँ पर कलमा चौक के आसपास काफी मैं देखा करता था कि इस तरह की ये छोटे छोटे लोग करते हैं। यू नेवर नो। चले जी, जब तक तहकीकात नहीं प्रॉपर हो जाती हम कुछ कह नहीं सकते। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं।